नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल विधान का ज्ञान पर। अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी के लिए यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि किसी भी नई जानकारी और वीडियो को आप मिस ना करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वसीयत के बारे में। वैसे तो वसीयत के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम वसीयत के बारे में जानते हैं? यदि हाँ, तो एक वैलिड वसीयत होने के बावजूद भी क्यों हमें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं और कई मामलों में तो वसीयत को कोर्ट के द्वारा कैंसिल भी कर दिया जाता है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि वसीयत को किस प्रकार से तैयार किया जाए कि वह विवाद रहित रहे या कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में भी वसीयत के अमान्य होने की नौबत ना आए। तो चलिए, ऐसी सारी जानकारियों के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं। वसीयत का दूसरा नाम इच्छा पत्र भी है, यानी वसीयत वह दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने स्वयं अर्जित संपत्ति के बारे में कोई व्यवस्था अपनी मृत्यु के बाद की अवधि के लिए करता है। इससे दो महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आती है। पहली यह है कि वसीयत केवल और केवल स्वयं अर्जित संपत्ति के विषय में ही की जा सकती है। स्वयं अर्जित या सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वह संपत्ति वसीयत करने वाले व्यक्ति के द्वारा ही खरीद की गई हो, बल्कि गिफ्ट या दान से प्राप्त संपत्ति भी स्वयं अर्जित संपत्ति के अंतर्गत आती है। और तो और, किसी व्यक्ति को यदि वसीयत से कोई संपत्ति प्राप्त हुई है तो भी वह उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति की श्रेणी में आती है और ऐसा व्यक्ति वसीयत से प्राप्त उस संपत्ति को आगे भी वसीयत कर सकता है। केवल ऐसी संपत्ति जो किसी संयुक्त परिवार की है या किसी व्यक्ति के पूर्वजों के समय की है, वह संपत्ति ऐसे व्यक्ति की स्वयं अर्जित संपत्ति नहीं होती और ऐसी संपत्ति के बारे में वसीयत करने का अधिकार उस व्यक्ति को नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वसीयत करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद ही प्रभावी होती है। कोई भी वसीयत उसे करने वाले व्यक्ति के जीवन काल में प्रभावी नहीं होती और वह व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी वसीयत को जितनी बार चाहे परिवर्तित भी कर सकता है और वह चाहे तो उसे कैंसिल भी कर सकता है। एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में कई वसीयत कर सकता है, लेकिन यदि एक ही संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक वसीयत कर दी गई है तो जो वसीयत उस व्यक्ति की अंतिम वसीयत होगी वही वसीयत मान्य मानी जाएगी और ऐसी संपत्ति के संबंध में अंतिम वसीयत के पहले की गई सारी वसीयत स्वतः निरस्त मानी जाएगी। वसीयत तैयार करवाने के संबंध में कोई कानूनी प्रारूप या प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। वसीयत को सादे कागज पर भी तैयार करवाया जा सकता है और स्टाम्प पर भी तैयार करवाया जा सकता है। वसीयत हस्तलिपि में भी हो सकती है या टाइप की हुई भी हो सकती है। इसी प्रकार वसीयत रजिस्टर्ड भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि वसीयत किस प्रकार से तैयार करवाई जाए ताकि वह विवाद रहित रहे, या यदि कोई विवाद हो भी जाता है तो वसीयत को अमान्य घोषित ना किया जाए। इसके लिए ध्यान देने योग्य कुछ जरूरी बातें हैं, जिनमें से पहली है कि वसीयत में जो हितग्राही व्यक्ति है, अर्थात जिसके पक्ष में वसीयत की जा रही है, हितग्राही व्यक्ति एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसके ना तो हस्ताक्षर वसीयत पर करवाए जाने चाहिए और ना ही ऐसा कोई कार्य दर्शाया जाना चाहिए जिससे ऐसे हितग्राही व्यक्ति की सक्रियता या उपस्थिति वसीयत के निष्पादन के समय दर्शित होती हो, क्योंकि वसीयत तो वसीयत करने वाले की इच्छा के अनुसार बनाई जाती है। ऐसी स्थिति में यदि हितग्राही व्यक्ति की सक्रियता वसीयत तैयार करवाए जाने के समय दर्शित होती है तो संदेहास्पद परिस्थितियां उत्पन्न होती है और न्यायालय के द्वारा केवल इसी बिंदु के आधार पर वसीयत को अमान्य भी घोषित कर दिया जाता है। काफी डीड राइटर्स ने आजकल यह ट्रेंड बना रखा है कि वसीयत की ड्राफ्टिंग वो किसी ट्रांसफर डीड की तरह करने लग गए हैं और वसीयत पर वसीयत करने वाले और वसीयत के हितग्राही दोनों व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाने लग गए हैं।
लेकिन यह तकनीकी रूप से पूर्णतया गलत है। ऐसी वसीयत के बारे में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायालय के सामने निश्चित ही संदेहास्पद परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा यदि वसीयत किसी वकील या विधि व्यवसायी से तैयार करवाई जा रही है तो वसीयत के निष्पादन के पश्चात वसीयत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षरों के बाद ऐसे वकील के द्वारा प्रमाणीकरण भी किया जाएगा कि वह वसीयत करने वाले व्यक्ति के बताए अनुसार उसकी इच्छा के अनुरूप तैयार करवाई गई है और वसीयत करने वाले व्यक्ति के द्वारा उस वसीयत को पढ़कर समझकर उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऐसे प्रमाणीकरण के बाद ऐसा वकील या विधि व्यवसायी अपने हस्ताक्षर भी करेगा और अपनी मोहर भी लगाएगा। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक वसीयत के निष्पादन के दो साक्षी होने जरूरी होते हैं। इन निष्पादन साक्षियों का रोल वसीयत को साबित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि वसीयत को रजिस्टर्ड भी करवा दिया गया है और वसीयत न्यायालय के समक्ष जाती है तो ऐसे निष्पादन के साक्षी ही अपने बयानों से उस वसीयत को साबित करने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। तीसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि वसीयत करने वाला अर्थात वसीयत निष्पादन करने वाला व्यक्ति बहुत बूढ़ा या बीमार है तो वसीयत के निष्पादन के समय की वीडियोग्राफी भी अवश्य करवा लेनी चाहिए, क्योंकि काफी मामलों में यह आक्षेप लगाया जाता है कि वसीयतकर्ता बीमार था या वृद्ध था और उसकी वृद्धावस्था या बीमारी की अवस्था के कारण से वह इस बात को समझने के लिए सक्षम नहीं था कि वह कौन सा दस्तावेज निष्पादित कर रहा है या वह किस कागज पर हस्ताक्षर कर रहा है। ऐसे विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर वीडियोग्राफी से काफी मदद मिलती है और न्यायालय के सामने यह साबित करना आसान हो जाता है कि वसीयत का निष्पादन वास्तव में उस व्यक्ति के द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा से किया गया है। चौथी जरूरी बात यह है कि वैसे तो किसी भी कानून में वसीयत को पंजीकृत या रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन किसी भी घर में तैयार किए हुए दस्तावेज की मान्यता हमेशा सरकारी कार्यालय के दस्तावेज से कम होती है। सरकारी कार्यालय में यदि वही दस्तावेज पंजीकृत करवा दिया जाता है तो उसकी मान्यता काफी बढ़ जाती है और कोर्ट के सामने यह साबित करना भी आसान हो जाता है कि वह वसीयत दोषरहित है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि वसीयत निष्पादित करवाई जाती है तो ऐसी वसीयत के बारे में विवाद की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।